नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार स्टेट 2023, सब्जेक्ट फाइन आर्ट, विषय ललित कला के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट बिहार सरकार में आई है, जिसमें आप सभी ने फॉर्म फिल किया है और इसकी तैयारी भी आप शुरू कर चुके हैं। तो चूंकि ये पहला वीडियो है स्टेट का, तो इसलिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपके करिकुलम क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हमें कोई भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी करनी है, तो पहला पॉइंट यह होता है कि हम करिकुलम को यानी कि पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि उसके बाद हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी होगी और हम अच्छे से एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यदि हम ललित कला के पाठ्यक्रम की बात करें, तो आप सभी को पता होगा इसमें इस पाठ्यक्रम को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हमारा है जो हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत है, उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा जो हमारा है जिसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे, वो आपका जनरल है। तो सर, चलिए हम दोनों करिकुलम को एक वन बाई वन समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। यदि हम पहले करिकुलम की बात करें, तो इस करिकुलम को जो है आपके यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया, यानी कि यूनिट वाइज हमें, ताकि हमें क्या होगा, पढ़ने में भी आसानी हो, हम आसानी से अपना नोट्स भी तैयार कर सके। तो हमारे पहले यूनिट में जो है, यानी कि पहला जो हमारा करिकुलम का पार्ट है, उसमें 15 यूनिट दिया गया, यानी कि इकाई 15 दिया गया, 15 आपके टॉपिक दिया गया, जिससे कि आपको क्या करना है, कवर करना है, नहीं पढ़ना है। उसी तरह यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, उसमें उसको भी क्या किया, दो सेक्शन में बांटा गया, ए और बी। तो ए में जो है 12 यूनिट है और बी में जो है 4 यूनिट है। तो टोटल देखा जाए तो 12 4 16, इधर हमारा 16 यूनिट हो गया पेपर टू में, और पेपर वन में क्या है, 15 यूनिट है। तो ये हमारे यूनिट है। अब अभी हम समझ लेते हैं कि हमें सारे यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ललित कला से। तो ललित कला का जो पहला यूनिट है, उसमें पहला टॉपिक आपको दिया गया है कला का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग ऑफ आर्ट एंड डिफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है। कला का क्या अर्थ है, कला का मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या क्या है। तो कला के अर्थ और परिभाषा, सेकेंड हमारा टॉपिक है चित्रकला, और तीसरा है चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ, यानी कि जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो कौन कौन सी सामग्री है जिसका प्रयोग करके आप अपने चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें कि जो भी टॉपिक दिए गए हैं, ये बस टॉपिक है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसे पूछ रहा है कला का अर्थ में परिभाषा, तो इसमें आपको संभवतः ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कला जो है, या कला शब्द जो है, किस भाषा का शब्द है, कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है। तो कला जो है, जैसे आप सभी को पता होगा, संस्कृत भाषा का शब्द है, और कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो क्वेश्चन का प्रारूप कुछ इस तरह से हो सकता है कि कला जो है, या कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है। चार वेद के आपको नाम दे दिए जाएंगे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। फिर आपको चूज करना होगा कि कौन सा राइट आंसर है। तो यह हमारा क्या हो गया, पहला यूनिट है। हम यूनिट टू की बात कर लेते हैं। तो यूनिट टू में आपका जो है, पहले यूनिट में कला और पेंटिंग को रखा गया है, चित्रकला को रखा गया है, उसी तरह सेकेंड यूनिट आपका है। तो सेकेंड यूनिट में हम यह देख पा रहे हैं कि इसमें आपको जो है मूर्तिकला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूर्तिकला, और सेम पैटर्न है, मूर्तिकला स्कल्पचर क्या होता है, मूर्तिकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ और वास्तुशिल्प। यहाँ पर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट, इन दोनों से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो जितने भी हमारे भारत में जो वास्तुकला है और मूर्तिकला है, जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है, और जो मंदिरों का निर्माण किया गया है, गुफाओं का निर्माण किया है, वो सारे वास्तु शिल्प में आते हैं। तो उससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा हमारा यूनिट है, तीसरा यूनिट जो है प्रिंट मेकिंग, यानी कि छापा कला का है। इसमें आपसे वही पूछेगा छापा कला का प्रकार, छापा कला किसे कहते हैं, और छापा कला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ, प्रिंटिंग के प्रोसेस कितने कितने होते हैं, किस किस निर्माण से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेंसिल प्रिंट है, उठकर प्रिंट है, लिनो कट है, लिथोग्राफी है, और भी जितने ही प्रकार हैं प्रिंटिंग के, उस सबसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर राइट की जगह पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा यूनिट है, उसमें कह रहा है व्यवहारिक कला। व्यवहारिक कला मीन्स कमर्शियल आर्ट या फिर अप्लाइड आर्ट। अब व्यवहारिक कला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ, व्यवहारिक कला किसे कहते हैं, व्यवहारिक कला में कौन कौन से सामग्री है जिसका प्रयोग करके हम इसमें कहते हैं पोस्टर का, बैनर का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा व्यवहारिक कला में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, फोटोग्राफी भी इसी सेक्शन का एक पार्ट है, और इसमें बैनर, पोस्टर, पंपलेट, ये सारा चीज़ें, इनकी जो कमर्शियल यूज के लिए उसका निर्माण किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं यूनिट पाँच में। यूनिट पाँच में कह रहे हैं
भारतीय कला का इतिहास। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अभी आधुनिक काल तक वो सारे हमारे भारतीय कला के इतिहास में आते हैं। तो इससे संबंधित आपको यूनिट 5 में क्वेश्चन अराइज किया जाएगा। यूनिट 6 की हम बात करें, इकाई 6 की, तो इकाई 6 में आपसे कह रहा है विश्व कला इतिहास, यानी कि विश्व की जो कला है उसकी इतिहास क्या रहा है। जैसे कि आपकी जो कि माराई गुफा हो गई, या फिर मेसोपोटामिया की कला, मिस की कला, जो कि माराई कला, जितने भी हमारे वेस्टर्न आते हैं, बाइजेंटाइन आर्ट, ये सारे सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यानी कि जो विश्व कला है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। अब इकाई 7 की यानी इकाई 7 की हम बात करें तो इकाई 7 में आपको कहा जा रहा है डिजाइन कला एवं तकनीकी। यहाँ पर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और डिजाइन की। जैसे कि एक आपका यूनिट हमने देखा था कि वो क्या था, अप्लाइड आर्ट था, तो अप्लाइड आर्ट भी एक डिजाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इकाई 7 उन्होंने फिर से एक डिजाइन अलग से ऐड किया है। और आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, कला एवं तकनीकी की बात कर रहे हैं। तकनीकी का मतलब ये हो गया कि हम कला में जो है किन किन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, तकनीकी का यूज करके इस चीज को हम और डेवलप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 8 में जो है आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। इसमें इसका टॉपिक दिया है वर्ल्ड फोटोग्राफी, यानी कि विश्व छायांकन या विश्व फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में जो है बेसिक हमारे जो कैमरा के पैटर्न होते हैं, ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, इससे संबंधित क्वेश्चन, या फिर कैमरा का इतिहास, ऑब्स्कुरा कैमरा, पिनहोल कैमरा, मिररलेस कैमरा, SLR कैमरा, जितने भी कैमरे आते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया जाएगा, पूछा जाएगा। उसी तरह इकाई 9 की यदि हम बात करते हैं तो इकाई 9 में आपसे जो एक कला का जो एक मेन मुख्य बिंदु होता है, जिसे हम लोग एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र के नाम से जानते हैं, तो इकाई 9 जो है आपका डेडिकेटेड है सौंदर्य शास्त्र पर। तो सौंदर्य शास्त्र में जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, वेस्टर्न एस्थेटिक्स और भारतीय प्रतिमा विज्ञान। प्रतिमा विज्ञान की जो इंडिया में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जो भी हमारे देवी देवताओं का निर्माण हुआ है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आपको इकाई 9 में पूछा जाएगा। उसी तरह जो है हम आगे बढ़ते हैं इकाई 10 में, तो यहाँ कह रहा है कला संयोजन के सिद्धांत और कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा जाएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, आप सभी जानते हैं 6 होते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अराइज किया जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं इकाई 11 यानी कि इकाई 11 में, इसमें जो है लोक कला, आदिम कला और क्राफ्ट, इसमें तीन टॉपिक दिया हुआ है। लोक कला यानी कि फोक आर्ट, आदिम कला यानी कि जो आदिमानव कला है, जो आदिमानव ने जो गुफाओं में जो चित्रों का निर्माण किया उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जो कि माराई गुफा जो है किस प्रांत में स्थित है, वहाँ पर कैसी गुफाएं मिली है, कोई आपको पेंटिंग दे देगा, यानी कि जो चित्र बने हैं आपसे पूछा जा सकता है कि शहद निकालते हुए जो चित्र बना है, या घायल भैंसा का जो चित्र बना है वो किस गुफा में बना हुआ है, तो इस तरह संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला टॉपिक हमारा क्राफ्ट है, तो क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपको इकाई 11 में दिया हुआ है। आप सभी को यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, जितने भी मैं टॉपिक का डिस्कस कर रहा हूँ वन बाई वन जो है, आज के बाद जितने वीडियो आपको आएंगे तो हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए क्या हो, समझना आसान हो, और सभी के लिए हम नोट्स भी प्रदान करते जाएंगे, ताकि आप अच्छे से अपना नोट्स भी बनाते चलें। क्योंकि ये वीडियो केवल आपके करिकुलम का था, बस हम करिकुलम बता रहे हैं, और इस वीडियो का नोट्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि जहाँ से आप अच्छे से आप पहले पेपर पर पूरे करिकुलम को लिख लेंगे और टू द पॉइंट आप नोट्स बनाते चलेंगे। जैसे जैसे आपको हम नोट्स प्रदान करते जाएंगे वैसे वैसे आप नोट्स बनाएंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कर सकें। चलिए हम आगे देख लेते हैं इकाई 12 में कह रहा है समकालीन कला प्रवृत्तियाँ। समकालीन यानी कि कंटेम्परेरी जो आर्ट में आर्ट मूवमेंट जो चल रहा है अभी, जो कंटेम्परेरी में जो आर्टिस्ट पेंटिंग का निर्माण कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसमें जो हमारे समकालीन कलाकार हैं, सुबोध गुप्ता हो गए, और भी जो अभी वर्तमान के जो आर्टिस्ट हैं, स्पेशल आपको ये ध्यान देना है, हम इसलिए बार फोकस कर रहे हैं आपको कि चूंकि ये बिहार की रिक्वायरमेंट है, बिहार स्टेट है, तो वैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो बिहार से रिलेटेड हो। जैसे हम समकालीन कलाकार की बात करें तो आपको जो है सुबोध गुप्ता, श्याम शर्मा, ऐसे जो बिहार के कलाकार हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जो बिहार में आपको कला महाविद्यालय है, कला महाविद्यालय संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे आप सभी को यदि याद होगा या आपने जिला कला एवं संस्कृति प्राधिकारी के यदि पेपर दिया होगा,
तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि 3-4 प्रश्न जो है पटना आर्ट कॉलेज से पूछे गए थे। यदि हम उदाहरण की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया था कि पटना आर्ट कॉलेज के पहले प्राचार्य कौन है, या फिर वो श्याम शर्मा जो है वो किस समय जो है कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे, या वो कौन छापाकार है जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय का प्राचार्य बने थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है, या एक और क्वेश्चन हमें याद आ रहा है कि कला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार के दृष्टिकोण से आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। चलिए, हमने इकाई 12 की बात कर लिया, इकाई 13 में आपसे कह रहा है दृश्य कला का अन्य विधाओं से अंतर संबंध। अंतर संबंध यानी को रिलेशन, जो हमारा विजुअल आर्ट है, जो फाइन आर्ट है, इसके जो अन्य विधियाँ, अन्य विधियाँ यानी कि जैसे म्यूजिक, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट, इससे और इसका क्या को रिलेशन है, इससे क्या संबंध है, इससे संबंधित आपको प्रश्न आएंगे। और इसमें एक और टॉपिक है प्रचलित कला विद्याएं, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी नॉलेज है जो अभी ज़्यादा फेमस, ज़्यादा पॉपुलर है, जितने पॉपुलर आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म के भी हम बात करें, जैसे कि ढोकरा कास्टिंग आर्ट फॉर्म होता है, जिसके द्वारा हम एक विशेष प्रकार की विधि से मूर्तियों का निर्माण करते हैं, ढोकरा कला उसे कहते हैं। तो ऐसे भी जो पॉपुलर विद्याएं हैं, जो पॉपुलर माध्यम है, उससे संबंधित आपको इकाई 13 में क्वेश्चन आएगा। उसी तरह हम बात करते हैं इकाई 14 की, तो इकाई 14 में आ गया, जिसे मैं कह ही रहा था कि प्रमुख कलाकार एवं कृतियाँ, इसमें जो है जितने पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, जैसे श्याम शर्मा हो गए आपके, सुबोध गुप्ता हो गए, तो इनके जो इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, और इन्होंने जो भी कलाकृतियों का निर्माण किया है, जो भी आर्ट फॉर्म का निर्माण किया है, इससे संबंधित आपको प्रश्न आएगा। इसके अलावा आप कह रहे हैं यहाँ पर कला लेखन, प्रमुख पुस्तकें एवं कला पत्रिकाएं, कौन कौन से वो मैगजीन है, कला आर्ट मैगजीन, वो प्रमुख पुस्तकें कौन से, फेमस पुस्तक कौन है, फेमस राइटर कौन है, इनसे संबंधित भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा, देखना होगा कि आर्ट में जो है कौन कौन से मैगजीनें प्रकाशित होती है, पुस्तकें कौन कौन सी आई है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कला में अभी काम कर रहे हैं। और इसके बाद एक टॉपिक है कला समीक्षा, कला समीक्षा की यानी कि जो आर्ट के बारे में समीक्षा लिखते हैं, आर्ट के बारे में जो विचार अपना व्यक्त करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें टॉपिक दिया है कला दीर्घा एवं संग्रहालय। कला दीर्घा यानी कि जिसमें हम आर्ट गैलरी, और संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जो भी बिहार में आर्ट गैलरियाँ हैं, जैसे बिहार ललित कला अकेडमी म्यूजियम जो है, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम, इसमें आपको देख लेना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन किया था, कितना साल हो गया, इसके द्वारा कौन कौन से आर्ट फॉर्म डेवलप किए जाते हैं, कि इतने एग्जीबिशन लगाए गए हैं, इस सबसे भी क्वेश्चन आपको आएगा। यहाँ पर एक और मजेदार टॉपिक है कला प्रबंधन यानी कि आर्ट मैनेजमेंट। फिर मैं पुनः कहूँगा कि आर्ट मैनेजमेंट का मैंने पूरा कम्प्लीट, जब जिला कला एवं संस्कृति प्राधिकारी की रिक्वायरमेंट आई थी, तो उसमें भी ये टॉपिक था कला प्रबंधन, और कला प्रबंधन पर जो है कंप्लीट सेटअप आपको जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें कला प्रबंधन को बहुत पूरा कर्स से कंप्लीट मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया था, तो उस सेक्शन में जाकर के आप कला प्रबंधन वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इकाई 15 में कह रहा है कला संस्थान, एकेडमी एवं कला फाउंडेशन, कला बाजार, कला मेला, प्रमुख प्रदर्शनियाँ। तो ये भी टॉपिक आपका जो है कला बाजार, कला मेला, ये भी मैंने जब रिक्वायरमेंट आई थी कला एवं संस्कृति प्राधिकारी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, तो उसमें मैंने कला बाजार को डिस्क्राइब किया था। तो हम यह देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो है करिकुलम को एडजस्ट यहाँ भी रख दिया, यानी कि जो उन्होंने करिकुलम जिला कला एवं संस्कृति प्राधिकारी के लिए तैयार किया था, उसके दूसरा टॉपिक उन्होंने यहाँ भी रखा है। तो मैंने पहले से ही यूट्यूब पर उस वीडियो एंड कंटेंट मैंने डाल दिया था, तो आप वहाँ पर मूव करके वहाँ पर जा करके चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारे टोटल 15 टॉपिक थे जो कि हमारे अपने पेपर से थे, यानी कि आर्ट से थे। इसमें हमें नहीं लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप लोग कवर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत एज आर्टिस्ट हमें भी लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी, जिससे कि आप सारे जो हमारे 15 टॉपिक हैं इसे अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। और कोई भी दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम हो सके उसके जो भी टॉपिक से आपको समस्या है उसका समाधान हम देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 2 की तरह, यानी सेकेंड जो हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल। इसमें जो है आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग की यदि हम बात करें तो इसमें जो है, जैसे मैंने कहा ही आपको, इसमें टोटल की बात करें इसमें तो हमें 12 टॉपिक दिए गए हैं,
बारह टॉपिक कौन कौन है? पहला हमारा टॉपिक की यदि हम बात करें, पहला हमारा है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग प्रोसेस एंड करेक्टराइस्टिक्स, यानी कि इसका हिंदी ये होता है कि जो शिक्षण और अधिगम, अर्थ प्रक्रिया और विशेषताएँ, यानी जो अभी हम स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो हमारा शिक्षण मेथड क्या होना चाहिए, किस मेथड से हम पढ़ाएंगे, हमारा स्किल क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पूछा जाए। टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण और अधिगम। अधिगम का मतलब होता है कि जो भी आप क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें आप प्रोसेस करते हैं उसको जो है अधिगम बोला जाता है, यानी कि लर्निंग, जो भी आप सीखते हैं, सिखाते हैं, जो हम टीचिंग कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बता रहे हैं तो हम टीचिंग तो करा रहे हैं, टीचिंग के साथ साथ हम लर्निंग भी कर रहे हैं, हमारा अधिगम भी हो रहा है। तो जब भी आप क्लास में एज ए टीचर पढ़ाएंगे तो वो टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। तो इसका मतलब क्या है, इसके प्रोसेस क्या क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज़ आपको हम यहाँ क्लियर करते हैं कि ये सेकेंड हमारा टॉपिक जो है, इसमें मैक्सिमम जो बीएड का जो करिकुलम होता है, हमें नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इसमें आर्ट में बीएड किया होगा, लेकिन कोई यदि बीएड कॉलेज में पढ़ाया होगा दो एक साल दो साल, तो उन्हें इस टॉपिक समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं, इसके बाद की हम बात करें, चूँकि आप करिकुलम में इंग्लिश में दिया हुआ है, इसलिए हम हिंदी वाला ही आपको बताते हैं। इसका हमें दिया हुआ है शिक्षण उद्देश्य और निर्देशनात्मक उद्देश्य, अर्थ और प्रकार, ब्लूम का वर्गीकरण। तो ब्लूम जो है एक फिलोसफर थे जिन्होंने इसको वर्गीकृत किया, इसको परिभाषित किया, उसके बारे में विस्तार आपको पूछा जाएगा। इसके बाद कह रहा है शिक्षण विधियाँ, यानी कि टीचिंग मेथड, किस मेथड से हम पढ़ाएंगे। देखिए पढ़ाने के भी कई प्रकार होते हैं, हम जिस मेथड से आपको पढ़ा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लेक्चर मेथड, यानी कि आपको हम बस बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेक्चर मेथड है। लेकिन जो है यदि हम पढ़ाने के साथ कुछ आपको हम मान लीजिए कोई आपको चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, पेंटिंग दिखाते हैं, मतलब कोई मैप आपको दिखाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो जितने भी मेथड होते हैं पढ़ाने के, सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वो शिक्षण विधियाँ के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक आता है लर्निंग प्लान, पाठ योजना, इसका प्रकार और विभिन्न मॉडल। लर्निंग प्लान क्या होता है, जब भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने से पहले हम एक प्री प्लान तैयार करते हैं कि हमें किस मेथड से पढ़ाना है। जैसे हम ये वीडियो बनाना था तो हम पहले एक प्री प्लान तैयार किए कि हमें कंटेंट को लाए, जो बिहार सरकार ने करिकुलम दिया उसको हमने रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने एक सेटअप किया। तो जो भी मैंने तैयारी की पढ़ाने से पहले, वो सब हमारे लर्निंग प्लान में क्या होता है, लिखा होता है, मेंशन होता है। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तो प्रॉपर लर्निंग प्लान बना कर जाना होता है। तो इसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद एक और होता है सूक्ष्म अधिगम और निर्देशनात्मक विश्लेषण। सूक्ष्म अधिगम यानी कि माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम चीज़ों क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की यदि बात करें तो इसमें दिया हुआ है कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कक्षा हमारा कितना इफेक्टिव है, क्योंकि आप क्लास में पढ़ाएंगे, जब तक क्लास के बच्चे आपके शांत नहीं रहेंगे, आपको सुनेंगे नहीं, तब तक बेहतर लर्निंग नहीं हो सकती है। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे आप चीज़ों को, क्लास के माहौल को बेहतर बना सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अगला हमारा है पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय, यानी कि टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी। पढ़ाने के दरमियान जो है एक लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, टेक्स्ट बुक का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है शिक्षक के गुण, एक टीचर का क्या गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने के लिए अवलोकन और मूल्यांकन, और दसवां हमारा है पाठ्यक्रम, ग्यारहवा है शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री और हाथों से सीखना या फिर सिखाना, यानी कि टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। टीचिंग एड्स के मतलब क्या होता है कि हम पढ़ाने के दरमियान किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे हमारे टीचिंग एड्स के अंतर्गत आता है। उसी तरह करिकुलम हमारा है कि जिसे मैंने कहा ना कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले हमें करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। तो करिकुलम के से संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये जो मैंने 12 पॉइंट आपको बताया ये आपके क्या है, सेकेंड के लिए है, और ये मैंने पहले ही कहा दिया था कि सारे बीएड से रिलेटेड हैं। तो एज ए आर्टिस्ट आपके लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, बट हमें घबराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे को है कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। यदि इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को डिस्क्राइब करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ बस हम आपको डिस्क्राइब करें कि हमें करिकुलम क्या है, हमें पढ़ना क्या है,
इसके बाद जो जो भी वीडियो आएगा उसमें एक एक टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विथ आपके नोट्स के साथ, ताकि आप अच्छे से नोट्स भी बनाते चले और अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा कर सके। चलिए एक और लास्ट इसमें रह गया है अदर स्किल। अदर स्किल में जो है जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इससे संबंधित आपको प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। यानी कि सामान्य ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणितीय योग्यता और तार्किक विचार, यानी कि रीजनिंग संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। तो ओवरऑल यदि हम करिकुलम की बात करें, जो कि बिहार स्टेट 2023 सब्जेक्ट फाइन आर्ट ललित कला के लिए जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, इसमें ललित कला के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से, तैयारी से आप इसे टेकअप कर सकते हैं। हाँ, सेकेंड जो हमारा पार्ट है, सेकेंड के लिए आपको बीएड की ओर थोड़ा मूव करना होगा। बीएड के जो करिकुलम, बीएड के जो बुक आते हैं उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी नेट पर तो बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं और कोशिश करेंगे हम भी आपके लिए जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है आपके बीच हम साझा करते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले क्लास में जो है, जो आपका पहला टॉपिक है, जो कि हम स्टार्ट यूनिट 1 से करेंगे, कला का अर्थ एवं परिभाषा, चित्रकला, चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री और निर्माण विधियाँ, इससे संबंधित हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।